और एक बड़ी खबर, राजनाथ सिंह का भूपेश बघेल पर हमला, छत्तीसगढ़ में चरम पर भ्रष्टाचार, नया छत्तीसगढ़ अटल जी का सपना। आप कभी जानते हैं छत्तीसगढ़ में प्राकृतिक संपदा की कोई कमी नहीं है, परिश्रमी लोग हैं, यहां सुंदरता है, यहां पर उद्योग धंधे नहीं है, कारोबार पनप नहीं रहा, एक ऐसी स्थिति यहां छत्तीसगढ़ में पैदा हो गई, मजबूरी में यहां के लोगों को कमाने के लिए बाहर जाने की जरूरत पड़ती है। अटल जी रहे हो चाहे आज मोदी जी, नया छत्तीसगढ़ बनाने का उनका सपना था अटल जी का, और यही सपना हमारे मोदी जी का भी है, लेकिन मोदी जी के आने के बाद दो ढाई वर्षों के बाद ही रमन सिंह जी की सरकार चली गई, और इस कारण मोदी जी का जो एक नया छत्तीसगढ़ बनाने का सपना था मेरे बहनों भाइयों, वह साकार नहीं हो पाया। नई सरकार कांग्रेस की आई, भूपेश बघेल मुख्यमंत्री बने, भूपेश बघेल के मुख्यमंत्री बनने के बाद आप जानते हैं क्या हो रहा है, 30% भ्रष्टाचार की सीमा तक बढ़ गया है, 30% तो सीधे सीधे ऊपर जाता है, और नीचे जिसको जहां मिलता है वह केवल खाता है, यही हो गया है यहां की कांग्रेस की सरकार में।